विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टियां खुद को जनता के साथ होने की बात कर रही हैं, जिसके चलते आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आर्यनगर विधानसभा से प्रत्याशी दिलदार गाजी ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जनता से इस बार के विधानसभा चुनाव में AIMIM को जिताने की अपील की। इस दौरान हमारे संवाददाता के साथ वार्ता में उन्होंने बताया कि सभी पार्टियां केवल चुनावी जुमले से जनता को लॉलीपॉप दे रही हैं। यदि अखिलेश यादव को फ्री बिजली देनी थी तो 2012 में अपनी सरकार रहते क्यों नहीं दी? करा के बैठ जाते हैं और ये आवाम बेमौत मारी जाती है, बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं, जुल्म तशद्दुद के फाजल तोड़े जाते हैं, तो क्या वजह है कि CNRC का मुद्दा होता असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं? क्या वजह है कि शरीयत का मसला होता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं? क्या वजह है कि जब मसाजिद का मसला होता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं, लेकिन जब वोट देने का मसला आता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम फलाने को हराओ, धमाके को हराओ? अरे बेशर्मी की हद होती है। अरे बेशर्म लोग उस मुलायम सिंह से पूछे कि उसकी बहू कहाँ है, उसका समधी कहाँ है, उसके घर के लोग कहाँ है? अरे घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, पहले अपने घर के लोगों को पकड़ लो, जिसके अपने घर के लोग ठीक है। इस बार आप किन प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यहाँ की सबसे ज़्यादा पानी की समस्या, जो कि यहाँ बहुत पानी गंदा है, स्कूल हमारे सरकारी खराब पड़े हुए हैं बिल्कुल, इन सब चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहेगा इस बार। अगर विधानसभा की जनता आपको चुनकर विधानसभा में भेजती है जी, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले उपहार के रूप में आप विधानसभा की जनता को क्या दें? सबसे पहले जो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जो खराब पड़े हुए हैं, बुरी पोजीशन है, उनकी सबसे ज़्यादा पहले हम सही करवाएंगे सरकारी हॉस्पिटल। बेशक MIM ने अभी सीसामऊ में भाई ये प्रदेश का मामला, ऊपर का मामला, असद साहब का मामला, वो किसको कैंडिडेट, जिसको कैंडिडेट बनाएंगे हम उसको लाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आरनगर की बात, किन मुद्दों पर MIM चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है? बताया स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है, पानी के लिए स्कूल हमारे खराब पड़े हमारे क्षेत्रों में, स्कूलों को दुरुस्तीकरण कराना, यही सब हमारे मुद्दे रहेंगे। वैसे ये देखा गया है कि ये सपा का गढ़ माना जाता है, इस पर आप क्या पार पाएंगे? नहीं नहीं, सपा नहीं, हमारी सीधे लड़ाई भाजपा से है, सपा कहीं नहीं है फाइट में। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने AIMIM के यूथ के नगर अध्यक्ष उमर मारूफ से भी बात की। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा है, हम सबसे पहले इस पर काम करेंगे। इस बार MIM किन प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? उत्तर प्रदेश में हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, MIM कम से कम 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हमारा प्रमुख मुद्दा है, जिस तरह से हैदराबाद में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो हॉस्पिटल खोल रखे हैं, सबसे पहले हम अपनी विधानसभा में ये काम करेंगे, जो हमारे लिए रोज़गार का अच्छा काम करेगा, हम उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह से कोरोना काल में यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसके लिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट जिस तरह से हैदराबाद में लगा हुआ है, वैसे ही हम कानपुर में भी इंशाल्लाह लगाएंगे। जिस तरह से हमारे लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक दूसरों के पास जाना पड़ता है, दर दर ठोकरें खानी पड़ती है, तो हम एक नया ब्लड बैंक भी ओवैसी साहब के नामों से इसको यहाँ पर हम लोग जारी करेंगे। जिस जगह पर हम खड़े हैं आर्यनगर विधानसभा, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? ये हमारे सबसे क्षेत्रीय मुद्दे यही हैं कि हमारी नाली खराब पड़ी हुई है, हमारे यहाँ से कूड़ा उठाया नहीं जाता है, दूसरे इलाकों में कूड़ा उठाने वाला सुबह आ जाता है लेकिन हमारे यहाँ कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है। जो विधायक और पार्षद के चमचों के घर होते हैं उनके क्या तो झाड़ू लगती है, लेकिन जनता क्या कभी भी झाड़ू नहीं लगती है। जिस तरह से हम लोग गली गली भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, विधायक जी के प्रत्याशी जो हमारे दिलदार गाजी साहब हैं, जिस तरह से गलियों में जा रहे हैं, गलियों के जो हालात देख रहे हैं, जो आवाम की तरफ से जो शिकायतें आ रही हैं कि 5 साल में विधायक जी ने कुछ नहीं किया, पिछले जो विधायक रहे हैं 30 साल से 35 साल से, उन्होंने इस क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं किया। नाली जर्जर पड़ी हुई हैं, बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हुई हैं, लेकिन काम कराने वाला कोई नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि मोहल्लों में कितनी गंदगियाँ पड़ी हुई हैं, एक टंकी अगर पानी बह रहा है तो उसमें से पानी चू रहा है, नालियाँ टोटियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसी मुद्दे पे हम लोग सबसे पहले काम कर रहे हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर पार्टियाँ जाति धर्म और कोई फ्री का लाभ दे रहा है,
इस मुद्दे से लेकर आप क्या हटकर लड़ेंगे? भाई फ्री का लाभ वही लोग दे रहे हैं जो पिछली सरकार में रह चुके हैं। अखिलेश यादव 300 यूनिट के वादा कर रहे हैं, इससे पहले सरकार तो उन्हीं की थी, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं दे दिया ये बात बताइए। सबसे पहली बात, रिजर्वेशन का जो वादा किया था कि अखिलेश यादव ने 2012 में कि मुसलमानों हमको जिता दो, मैं तुम्हें 18% का रिजर्वेशन दूंगा, वो मेरा रिजर्वेशन अभी तक हमको क्यों नहीं मिला? नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ जुमलेबाजी वाली है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, वैसी अखिलेश यादव भी वादा खिलाफ पार्टी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। विधानसभा से प्रत्याशी का नाम आने के बाद दूसरा प्रत्याशी घोषित किया गया, उस पर आप क्या कहते हैं? शीशामो विधानसभा में अलाउद्दीन साहब का नाम आया था, प्रदेश कमेटी ने आज संगठन के लोगों, आप देख रहे हैं द न्यू इंडिया न्यूज, कानपुर से मोहम्मद जीशान खान की रिपोर्ट।